आपको पता है कि विकिपीडिया की खोज किसने की थी और हमारे गाल पे डिंपल क्यों होता है, और क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर एक ऐसी वेबसाइट मौजूद है जिस पर आप अपने मरने की तारीख देख सकते हैं। ऐसे ही नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों कहते हैं ना कि जिनके ऊपर ईश्वर का साया है उसे कोई छू भी नहीं सकता। ऐसी एक घटना कनाडा में घटी थी दोस्तों। कनाडा में जमल नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्हें द मिराकल मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्हें एक बार 30 गोलियां लगने के बाद ही बचा लिया गया था। इतनी सारी गोलियां लगने के बाद जिंदा रहने का यह एक रिकॉर्ड भी है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है तो आप तुरंत ही कहोगे जयपुर। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राजस्थान में लगभग हर एक सिटी अलग अलग रंग से संबंधित है। जैसे कि जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, जयपुर को पिंक सिटी और जबलपुर पर्पल सिटी। उसी प्रकार उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, समझ रहे हो। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों ये तो आप सभी लोगों को पता है कि ऑक्सीजन की वजह से हम जिंदा रहते हैं, और आप ये भी जानते हो कि हमारा ब्लड ऑक्सीजन को हर एक अंग तक पहुंचाता है दोस्तों। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है दोस्तों? अगर पता है तो नीचे कमेंट करिए, और अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। दुनिया में सबसे महंगा खून हॉर्स और क्रैब का होता है दोस्तों। इसके बाद अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकल। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, और बरसात के मौसम में आप सभी लोग जानते हैं कि आसमान से बिजली गिरती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बिजली क्यों गिरती है? अगर नहीं पता है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आसमान में बादल हवा के वेग से एक दूसरे के विरोधी दिशा में जाते हैं और टकराकर घर्षण पैदा करते हैं दोस्तों। घर्षण से विद्युत पैदा होती है और पृथ्वी पर पहुंचती है। जब घर्षण से उत्पन्न विद्युत के लिए आसमान की बूंदों में प्रवाह नाकाफी रहता है तो पृथ्वी पर एक कंडक्टर तलाशती है। यह आकाशीय बिजली पृथ्वी पर पहुंचने के बाद ऐसे माध्यम को तलाशती है जहां से वह गुजर सके। यदि आकाशीय बिजली बिजली के खंभों के संपर्क में आती है तो उसके लिए कंडक्टर का काम करता है। लेकिन उस समय कोई व्यक्ति इसकी परिधि में आ जाता है तो वह उसके लिए सबसे बढ़िया कंडक्टर का काम करता है दोस्तों। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आज तक आपने यही सुना कि इंसान खूबसूरत होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत पेड़ कौन सा है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वेस्टेरिया नाम का यह पेड़ जापान में पाया जाता है। इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत पेड़ माना जाता है दोस्तों। यह पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका रहता है। किसी पेड़ में गुलाबी रंग का फूल होता है तो किसी में नीले रंग का। इन फूलों को पूरी तरह से खिलने में 5 वर्ष तक लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हम सभी लोग अपनी कार को रोड पर ही चलाते हैं, खेत में तो चलाते नहीं है, तो आप सभी लोगों को पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा इलेक्ट्रिक रोड है दोस्तों जिस पर अगर आप अपनी कार को चलाते हैं तो आपकी कार की बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है। स्वीडन में तैयार इस इलेक्ट्रिफाइड रोड से कारों ट्रकों की बैटरी चार्ज हो जाती है। दरअसल इस रोड में ऐसी पटरी है जिस पर गुजरने से इलेक्ट्रिक कारों ट्रकों की बैटरी चार्ज की जा सकती है। इस रोड को स्वीडन में स्टॉकहोम के उपयोग के लिए ओपन कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे गाल पे डिंपल क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कुछ लोगों के गाल में मौजूद एक मसल दूसरे की अपेक्षा छोटी होती है दोस्तों। इस वजह से उनके गाल में गड्ढा पड़ता है जिसे डिंपल कहते हैं। गाल में मौजूद इस मसल को जाइगोमैटिक्स कहते हैं, और अगर यह मसल बीच से बट जाए या छोटी रह जाए तो गाल में डिंपल पड़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हमारे देश में महिला हिंसा की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हैदराबाद के एक 17 वर्षीय लड़के सिद्धार्थ मंडल ने ऐसी चप्पल का आविष्कार किया है जो कि लड़कियों को हिंसा से बचाएगी। इस इलेक्ट्रोशूज नाम की चप्पल में लगे सेंसर की मदद से लड़की की सटीक लोकेशन घर वालों को मिलती रहेगी। इसके साथ साथ जो लड़की को छुएगा उसे तेज करेंट भी लगेगा, और यह चप्पल किसी बिजली से नहीं बल्कि लड़की के चलने से चार्ज होती रहेगी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों विकिपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जहां हमें हर प्रकार की जानकारियां मिल जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके फाउंडर कौन है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसके जो फाउंडर है वो हैं लैरी सेंगर और जिमी वेल्स, और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी दोस्तों। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों मृत्यु एक ऐसा कड़वा सच है जिसे कोई टाल नहीं सकता, और हमें पता भी नहीं रहता कि किसकी मौत कब हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, इंटरनेट पर एक ऐसी वेबसाइट मौजूद है जिस पर आप अपने मरने की तिथि देख सकते हैं दोस्तों। इस वेबसाइट का नाम है deathclock.org। अगर इस पर आप अपनी जन्म तिथि डालोगे तो आपके मरने की तारीख को बता देगा दोस्तों, और यह वेबसाइट आपको ये भी बताएगा कि आप कितने दिनों तक जीवित रहोगे दोस्तों। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें।